imagine you were born in 1900. When you're 14, World War One begins and ends when you're 18 with 22 million dead. Soon after a global pandemic, the Spanish flu appears, killing 50 million people, and you are alive at 20 years old. When you were 29, you survived a global economic crisis that started with the collapse of the New York Stock Exchange, causing inflation, unemployment, and famine. No more questions. When you are 33 years old, the power... नमो नमः महामहोदय। अच्छा मुझे वो जो जिसे हम बग समझ रहे थे वो बग नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है। तो पहले हम करते हैं अकारांत पुल्लिंग की। आपको स्मरण है हमने एक वचन की ही विभक्तियां की हैं पहले उदाहरण के साथ में। हाँ नहीं मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विभक्तियां स्मरण की नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हमने कौन सी वाली की है वो आपको स्मरण है। एक वचन की है। हाँ तो अब हम एक सेकंड, वचन की नहीं की है, पानी पीता हूँ। हाँ तो आज हम उसके उसको भी सीखेंगे। सारे वचनों की विभक्तियां और देखते हैं कहां तक होता है। मेरे ख्याल से अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग जो आपके नाम में भी है, मोहा गीता कई नामों में है, तो शायद वहां तक पहुंचेंगे। नपुंसक लिंग भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, समय कितना होता है देखते हैं, नहीं तो अगले प्रकरण में करेंगे। तो पहले लेते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सबसे पहले आज लेते हैं अकारांत पुल्लिंग। कभी ऐसा हुआ है कि आपको पढ़ते समय कि पुल्लिंग हमेशा पहले दिखता है तो ऐसा लगता हो कि ये बनाने वाले कोई लड़के हैं जिन्होंने हमेशा पुल्लिंग ही पहले लिया है? मुझे नहीं पता मतलब ऐसा कुछ किसी के मन में विचार आता होगा कि नहीं। आज मुझे लगा कि हम हमेशा पुल्लिंग ही पहले क्यों करते हैं। ये होता है इफ यू आस्क अ गर्ल, यस काफी सारी चीजों में मतलब ऐसे लगता है। नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ जहाँ भी संभव है या जहाँ मुझे थोड़ा पहले से ध्यान में आ गया कि मैं पहले कहीं जैसे पांच नाम लिखें तो उसमें जो जो लड़कियों के नाम होंगे मैं पहले वो ले लेता हूँ फिर, या थोड़ा मिक्स करने की कोशिश करता हूँ ताकि किसी को ऐसा ये ना लगे कि सिर्फ लड़कों के पहले हो रहे हैं या लड़कियों के बाद में हो रहे हैं। वो तो एक कोशिश करता हूँ प्रोसेस भी अंशु जी और कुछ है नहीं ऐसे देखा जाए, ना कोई महत्व है नहीं उस चीज का कि छोटी छोटी बातों को तो हाँ नहीं, लेकिन किसी के मन में यदि लगता हो तो फिर थोड़ा तो बदलाव किया जा ही सकता है। हमेशा कभी लगता हो लोगों को, जैसे आपने बताया कि एक्चुअली लगता है और मुझे भी लगता था कि लगता होगा किसी ना किसी। I agree because you know वो classic debate होता है, is God male, इसलिए दुनिया ऐसी है, women को ये problem होती है। हाँ लगता है लोगों को, नहीं लगता, but personally I don't worry too much about it। कौन बात है इतना महत्व देने, जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे ठीक है आप महत्व दीजिए, but आगे पीछे लिखने में भी अगर आप बोलोगे कि ये misogynist attitude है तो that is you know waste of time, मैं उसपे तो विचार भी ना करूँ। छोटी छोटी बातों में ये नहीं करना चाहिए, जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे महत्व दीजिए। हाँ वही, इस वाले से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं क्योंकि हम सब मतलब सभी कुछ पढ़ते हैं, हम पुल्लिंग भी पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग भी पढ़ते हैं, सारे पढ़ते हैं, तो ना अंतर नहीं पड़ेगा। चलो प्रथमा द्वितीया ऐसे सब मैं बाकियों के सिर्फ अंक लिख देता हूँ। चतुर्थी पंचमी
षष्ठी सप्तमी और अष्टमी नहीं बोलते असल में उसको, संबोधन ही बस बोलते हैं, अष्टमी जैसा होता नहीं। ठीक है चलो, तो हम लेते हैं राम शब्द को। राम आसान भी है, छोटा सा भी है, तो रामः, इसका कम से कम प्रथमा का आपको याद है? हमने क्योंकि एक आध बार कहीं पे लिखा है इसको। आप क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली? मैं एक और चीज भी सोच रहा हूँ कि मैं राम और बालह, जो हम बालक के लिए बालह भी उपयोग करते हैं ना, तो बालह के लिए भी अभी करेंगे साथ में। उसका एक मुख्य कारण ये है कि रामह अधिकतर हम संज्ञा की तरह उपयोग करते हैं, मतलब राम एक नाम है, है ना। तो जब हम राम को बहुवचन में लिखेंगे रामाहा, तो बहुत सारे राम, तो उसको उसके लिए वाक्य बनाना थोड़ा, मतलब ऐसे प्रैक्टिकली सोचने के लिए कई बार लगता है कि हाँ इसका उपयोग क्या होगा। रामाहा बहुत कम संभव है कि बहुत सारे राम एक साथ हों, पर बालकाहा या बालिकाहा ये हमेशा बहुत सारे हो ही सकते हैं। इसलिए मैं सोचा कि हम ज्यादा उपयोगी वाला जो धातु शब्द है उसके लिए बनाते हैं रूप विभक्तियां, तो थोड़ा अधिक लाभ होगा। तो राम नमो नमः नवीन महोदय, सुप्रभातम सुप्रभातम आपको क्या बोलना चाहिए? सुनक्तम, सुनक्तम तो जाने के समय बोल सकते हैं, पर अभी शुभ संध्या कह सकते हैं। शुभ संध्या, शुभ संध्या। चलिए, तो आपका अभी समय काफी बदल गया है इसलिए ये थोड़ा देर हो जाती है, या कुछ और कारण है? नहीं, कारण ये है, क्षमा चाहता हूँ पहले, मगर कारण ये है कि मैं अकेला हूँ, दो बेटियां हैं और एक कुत्ता भी है तो उनको उठाने उनको उठाना है, सब उनको तैयार करके वो सब करके आने के लिए लेट हो जाता है, तो इसीलिए। ओ अच्छा, आपकी धर्मपत्नी महोदय अभी हैदराबाद में है? हाँ, हैदराबाद में नहीं, वो विशाखापट्टनम में है, उनका गांव विशाखापट्टनम। अच्छा, हाँ काफी दिन हो गए, वो उनका थोड़ा वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कुछ चल रहा था तो वो लेट हो गया था, तो अभी आ रही है 10 दिन में। ओके, उसके बाद मैं भारत फिर हम उनको धन्यवाद करेंगे कि आप समय पे जल्दी कक्षा में आने लगे 2 हफ्ते के बाद 10। हाँ। अच्छा, उसके बाद आप आएंगे एक बार, वो आ जाएंगे तो हाँ, हाँ। फिर उनकी भी वही शिकायत होगी, मेरी 2 बेटियां एक कुत्ता है और होगी तो होगी, और मैं क्या करूं, इतने दिन तो मैं किया मुझे हाँ। भी थोड़ा ब्रेक चाहिए। हाँ ठीक चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं। हमने आज हम विभक्तियां फिर से देख रहे हैं, लेकिन हाँ। आज थोड़ा सा बदलाव है, हमने अभी तक विभक्तियां जो देखी हैं वो एक वचन में ही केवल देखी थी पहले, बालक हाँ। की या लता, मतलब पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द, हमने सबकी एक वचन की देखी थी अभी तक, पर विभक्तियों में भी वचन होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो अब हम क्योंकि काफी पढ़ चुके हैं, काफी कुछ समझने लगे हैं, तो अब हम आज से पूरी विभक्तियां सीखेंगे, मतलब एक वचन द्विवचन बहुवचन पुल्लिंग का, पुल्लिंग का करते हैं पहले, उसके बाद स्त्रीलिंग करेंगे, फिर नपुंसक लिंग भी करेंगे, तो हम तीनों के उदाहरण के साथ ले लेके करेंगे। तब अंत में करेंगे क्या? अकारांत अकारांत और इकारांत ईकारांत वो सब करेंगे, उकारांत। हाँ, तो अब इस श्रृंखला में हम सारे विभक्तियां ले लेंगे, अब हम इकारांत भी लेंगे इस बार और सब लेंगे, मतलब इस बार हम विभक्तियों को छोड़ेंगे नहीं,
तो एक दो कक्षाओं में विभक्तियां ही चलेंगी अभी। ओके उत्तम। आज आशा है मुझे कि हम अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग ये दोनों पूरा कर पाएंगे। फिर नपुंसक लिंग देखते हैं, आज हो पाता है या फिर बाद में करेंगे। अवश्य। ठीक है, चलिए। तो आपको कुछ स्मरण है एक वचन द्विवचन बहुवचन कम से कम प्रथमा के लिए क्या होता है, क्योंकि हमने इसको कहीं पे उपयोग किया है। द्विवचन के लिए रामाओ। हाँ, रामह राम बालको बालको ना बालव होता है। हाँ, तो दोनों शब्द हैं, बाल भी होता है और बालक भी होता है। बालह भी बोलते हैं, आपने सुना होगा शायद, बालाह क्रीडंती। तो बालाह हम क्यों बोलते हैं, इसका एक बहुत अच्छा उपयोग है। जब हमको सिर्फ बोलना है ना चाइल्ड बच्चा, उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। जब हमको बोलना है बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तब हम बालह ज्यादा आसानी से उपयोग कर सकते हैं, वो अधिक उपयुक्त है उसका उपयोग। अस्तु, धन्यवाद। और तेलुगु में भी ऐसा ही कुछ है, बिड्डा बोल के, सारे भाषा में होगी शायद। गुजराती में कुछ है बच्चा के लिए, बच्चा ही बोलते हैं। मतलब आप प्रॉपर शब्द कह रहे हो नवीन जी? हाँ, प्रॉपर गुजराती में शब्द बच्चा को क्या बोलते हैं, चाइल्ड को? छोकरा हो, छोकरी हो। तो वो तो बालक बालिका हो गया ना, अलग अलग। कोई कॉमन शब्द भी है क्या वो पूछ रहे हैं? बिना लिंग भेद के, बिना लिंग भेद। I don't think so. Okay. Not that I'm able to immediately recollect, but मैं सोचती हूँ, I don't think. मुझे पता है, एकदम पूछने से ऐसा हो जाता है। मुझे भी बच्चे लोग हर शनिवार को इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं और इसका तेलुगु में क्या है। मैं एक ही बार रिकॉल करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, समझ सकता हूँ। चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बालह बालव बालह, ये हमने शायद कहीं ना कहीं उपयोग किया है एक आध बार किसी ना किसी कक्षा में। एक वचन भी किया और बहुवचन भी किया है, द्विवचन भी शायद किया है हमने बहुत शुरू शुरू की कक्षाओं में। जब जैसे हमको बोलना है घोड़े दौड़ रहे हैं और दो घोड़े दौड़ रहे हैं, तो हमने तब उपयोग किया था कि अश्वौ धावतः। और धावतः वो वाला क्रिया आपको याद है कि क्रिया भी बदलती है एक वचन द्विवचन बहुवचन के साथ में। जैसे रामह हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। वो भी बदलती है। हाँ, बालह पठति बालौ, यहाँ पे क्या आता है, पठतः और बालाः पठन्ति। तो ये उदाहरण सरल सा उदाहरण है, बालाः पठति बालौ पठतः। तो ये अंतर है द्विवचन में। और द्विवचन बहुत बार हमारे शरीर के अंगों में भी काम आता है, जैसे दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं। तो जब कभी कोई खेल खेलकूद को हम विवरण दे रहे हैं किसी को, तो उसमें कई बार होता है कि आप बोलेंगे कि बालाः मतलब बहुत सारे बच्चे, पादौ क्रीडतः, तो पैरों से खेल रहे हैं, तो पैर जो हैं दो से ज्यादा तो है नहीं, तो इसलिए वो पादौ हो जाता है क्योंकि दो पैरों से खेल रहे हैं। हाँ, मनुष्य के लिए तो हाँ पादौ पादौ या हस्तौ जो है बहुत उपयोग होता है। तो ये शरीर के अंगों में काफी उपयोगी है द्विवचन, और भी कई जगह काम आता है, पर वो सिर्फ कोइंसिडेंटल होता है कि दो बच्चे पढ़ रहे हैं या दो बच्चे खेल रहे हैं, वो कोइंसिडेंटल है। पर हमारे शरीर के अंगों में तो बहुत सारी चीजें हैं जो डबल हैं।
नेत्रो बोल सकते हैं, नेत्रो, कर्णो, हस्तो, पादो, मोहा जी की आवाज नहीं आ रही। मैं हूँ। अच्छा, आपको सुनने में मजा आ रहा है लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाला बाला बाला, आप लोग लिखते भी जाइएगा यदि कागज पेंसिल कुछ पेन साथ में है तो। बालम, और इसका उपयोग हमने इतना अधिक किया है कि आपको कुछ वाक्य अभी हम जब उदाहरण में लिखेंगे तब ध्यान में आएगा। बालम या बालकम या रामम, अहम मंदिरम गच्छामि। तो जब भी हम कर्म किसी भी वाक्य में देखते हैं, जैसे बालह पुस्तकम पठति, तो वो किसको पढ़ रहा है? जो कर्म है उसको पढ़ रहा है। तो पुस्तकम, बालह विद्यालयम गच्छति, और अभी आपने क्या बोला? अहम मंदिरम गच्छामि। मंदिरम गच्छामि, तो अहम जो है कर्ता है, मंदिरम कर्म है, और गच्छामि जो है वो क्रिया है। तो जहां पे भी कर्म आता है, अधिकतर सारे वाक्यों में जहां भी आपको कर्म दिखेगा वो द्वितीय विभक्ति ही होती है, क्योंकि द्वितीय का अर्थ ही है कि इसको, प्रथमा ने, तो ने है उसका अर्थ है कि बिकॉज वो ने है उसका मतलब है कि कर्ता, और द्वितीय को है तो ये, अरे ये क्यों लगा दिया, कर्म है जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। तो इसलिए रामम बालम, तो बालम द्विवचन प्रथमा और द्वितीय दोनों का बराबर है, एक ही है, रामः रामौ रामाः। रामम रामौ रामान, तो अब हम इनके वाक्य बनाते हैं। तो बालम मतलब बच्चे को, तो इसको उपयोग करके आप कुछ बनाना चाहेंगे? चलिए पहले मोहा जी से पूछते हैं, मोहा जी की भी थोड़ी आवाज सुन ली है। बालो भोजनम ददातु। हाँ चलेगा, बालो भोजनम ददातु, मतलब आप किसी से निवेदन कर रही हैं कि दोनों बच्चों को भोजन दे दो। दे दो, हाँ दे दीजिए। बालो भोजनम, और अनुस्वार क्योंकि अगला ददातु है इसलिए अनुस्वार व्यंजन है। उत्तम, चलिए नवीन जी आप इसका एक वचन का बोलेंगे कि बहुवचन का बोलेंगे? एक वचन का बोलो। हाँ, बालह बालम उपयोग होना है ना, बालम तो म लगाना है कि अनुस्वार लगाना है वो मैं निश्चय कर लूंगा जब आप वाक्य बोलेंगे तब। अरे बहुत सरल है, बालम पश्यामि, मैं बालक को देखता हूँ या बच्चे को देखता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बालम पश्यामि। और ऐसे वाले सरल वाक्यों में आपको अहम भी लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे पश्यामी से पता चल जाता है कि आप खुद ही देख रहे हैं।
पश्यति वाला वाक्य बनाना पड़ता, तब आपको उसका कर्ता बोल बताना ही पड़ता, बोलना पड़ता। ऐसे जैसे जैसे मोहा अंशु महोदय बाल बालम पश्यामि पश्यति पश्यति तो तब कर्ता बोलना पड़ेगा, लेकिन पश्यामी खुद से जब कर रहे हैं तब कर्ता की आवश्यकता नहीं है, बोलेगा तो भी चलेगा, नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। तो बालम पश्यामी हो गया, बालम बालव, और अब बालान। तो जैसे मुआ जी ने भोजनम ददातु बोला, तो ये बहुत अच्छा वाक्य है क्योंकि ये कहीं पे भी उपयोग हो सकता है, बालान भोजन ददातु भी चलेगा, पर अब हम कुछ और उपयोग करते हैं ताकि थोड़ी थोड़ी विविधता रहे। तो बालान कंदुकः बालान समीपे अस्ति, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, एक मिनट में ये खत्म कर लूं। बालान पाठयामि, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। पाठयामि, थोड़ा सा अंतर है, आपको स्मरण है नहीं, पठति और पाठयति। आम आम पाठयामि, आप भी ये करते हैं तेलुगु जब पढ़ाते हैं तो आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं, बालान पाठयामि, या मैं बोल सकता हूँ कि नवीन महोदय बालान पाठयति। ठीक है, अभी आप कौन सा उदाहरण दे रहे थे, आप कुछ और भी बोल रहे थे? कंदुकः बालान समीपे अस्ति, नहीं ऐसा, बालकों के समीप होगा ना, तो बाला तो बालक बालाह समीपे, उसमें तो प्रथमा ही आएगी। हाँ, पर आप जैसे भोजनम ददातु है वैसे ही बालान कंदुकम ददातु ये बोल सकते हैं कि बच्चों को कंदुकम या बॉल दे दो तो वो चलेगा। ठीक है, तो अब द्वितीय भी हो गई। तृतीय जो है, तृतीय मतलब के द्वारा, तो इसको बोलते हैं करण। इसको ध्यान मतलब स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी समझने के लिए एक बार जब हम पहली बार देख रहे हैं तब के द्वारा, के माध्यम से, और तृतीया तब भी उपयोग होती है, नहीं वो तृतीया नहीं, वो चतुर्थी है, अभी हम आएंगे उस पे। तो तृतीया में है के द्वारा, तो इसमें है राव मेण या फिर बालेन। रामाभ्याम बालाभ्याम रामैः और बालैः, तो ये तृतीया है। चलो, तो तृतीया का उदाहरण पहले नवीन जी देंगे। बालेन आप कोई और उदाहरण भी दे सकते हैं, मतलब बाल बालक शब्द नहीं उपयोग करना है, कुछ और जैसे कलम है, कलम भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है तो वो भी चलेगा, बालह तो हम सिर्फ उदाहरण के लिए ले रहे हैं।
पर वाक्य में आप कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द लेखनेन मसी आगच्छति, वो तो इकारांत का हो गया, पर लेखनी जो है हाँ वो इकारांत का हो गया। पर कलम ही उपयोग कर सकते हैं, कलम जो है वो अकारांत पुल्लिंग है और वो भी उसी के लिए उपयोग होता है। कलमेन लिखामी, हाँ कलम, मगर हाँ कलमेन मसी आगच्छति, हाँ चलेगा। नहीं तो आप और बढ़िया वाक्य है तो और आप बताइए। नहीं बढ़िया और ये कुछ नहीं होता क्योंकि देखो जिसका उपयोग है सब बढ़िया है, तो जहाँ पे दैनिक जीवन में यदि उस वाक्य का उपयोग है तो सब कुछ उपयोगी है। तो कलमेन लिखामी या कलमेन मसी आगच्छति, कलम ये उर्दू का शब्द नहीं है कलम? नहीं नहीं कलम तो इसमें है ना, अपने संस्कृत में होता है, उर्दू में बहुत सारे शब्द संस्कृत से लिए हुए हैं। ओके ओके, उर्दू जो है संस्कृत हिंदी और फारसी और अरबी, ऐसी तीन चार भाषाओं का एक खिचड़ी है, उससे उर्दू बना। तो कलमेन मसी आगच्छति अस्तु। इदानीं महामहोदय करोमि, अपने रामाभ्याम लिखा है ना? हाँ रामाभ्याम या बालाभ्याम, तो राम के द्वारा या बालक बच्चे के द्वारा। करवा दो कैसे कहेंगे? करवा दो थोड़ा नहीं मुझे मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि रामाभ्याम दान बच्चे के द्वारा दान करवा दो बेसिकली, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नहीं तो वो तो सीधा सीधा है, जैसे रामा बालाभ्याम दानम भवति, तो आप बोल रहे हैं कि बच्चे के द्वारा दान होता है। करवाना इस थोड़ा एडवांस्ड, क्योंकि जैसे हम कुरु जो है हमारी धातु है ना, क्रिया करोति करोमी जो हम कहते हैं, उसी में हम जैसे पठति और पाठयति, पढ़ना और पढ़ाना, वैसे करना और करवाना का मिलता जुलता होगा, लेकिन मुझे अभी करवाने वाला जो है ध्यान में नहीं है तो अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन कार्ययति हो सकता है, पर वो उसको देखना पड़ेगा शब्दकोश में भी, करवाने के लिए कोई सीधा सीधा शब्द ढूंढना भी कठिन है अभी के लिए। पर जो आप बोलना चाहती है मेरे ख्याल से उस वाक्य से हो रहा है वो, है ना, बालाभ्यम दानम भवति, या और क्या बोलना चाहती? नहीं कुछ और ले लेते हैं, बेटर रहेगा एग्जांपल। तो
मैं अपना वाला उदाहरण लिख देता हूँ बहुवचन में, तब तक बालैः दानं भवति। दानं भवति या फिर पूजा भवति, अर्चना भवति, कुछ भी चलेगा। बालाभ्यां मंत्रं मंत्रोच्चारणं जीवनम्। हाँ मतलब जीवनम सफलम भवति, नहीं खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ बच्चों के कारण। अच्छा बच्चों बालाभ्याम जीवने आनंदम भवति, वो तो बाल ही बच्चों के लिए, वो तो बहुत, पर वो दो बच्चे बोलना चाहती है ना, उनको दो ही बच्चे से हो रही है खुशी। एक्चुअली नवीन जी करेक्ट है, मतलब वो बालो हो जाएगा, उसके लिए वो बेटर एग्जांपल है। बच्चों के द्वारा जीवन में खुशी होती है कि वो बालो हो जाएगा, उसके लिए वो सही है। बालो नहीं, बाल ही है आप बोलना चाहती हैं शायद। बालो तो बच्चों को है। I didn't get you। आप बालो कौन सा वाला बोल रही हैं, ये द्वितीय का द्विवचन या तृतीय का बहुवचन? तृतीय का बहुवचन का वो एग्जांपल हो जाए। हाँ तो वो बाले ही है, बालव नहीं। हाँ सॉरी, चिंता मास्तु, चिंता मास्तु। आप हाँ आप बोलना चाह रही थी बाले ही और बोल रही थी बालव, वो हमको समझ गया। लिखा भी गलत इसके लिए। हाँ अच्छा ठीक है, तो क्या वाक्य बोलना है आपको, वही वाला बोल दीजिए अभी जो बोला था आपने। बालाभ्याम जीवने आनंदम भवति, दो बच्चों से जीवन में आनंद होता है। वो ये नवीन जी बोल सकते हैं, नवीन जी जब उनकी पत्नी आ जाएंगी और जब वो जाने वाले होंगे तब वो उनको थोड़ी प्रेरणा देने के लिए कि अच्छे से रहना, तब वो उनको बोल सकते हैं कि बालाभ्याम जीवने आनंदम भवति। शुभम भूयात। हाँ तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ बालाभ्याम जीवने, और भवति थोड़ा ऑप्शनल है, सिर्फ आनंदम तक लिखेंगे तो भी चलता है। आनंदम फिर भी मैं लिख देता हूँ अभी के लिए भवति। क्या हुआ मोहा जी, आपकी आवाज बीच में हल्की सी ब्रेक हो रही है कभी कभी। अच्छा आपको भी हो रही है क्या नवीन महोदय? ना ओके चलो चतुर्थी। तो चतुर्थी जो है संप्रदान, के लिए फॉर, तो रामाय बालाय और ये अच्छा है कि चतुर्थी तृतीय चतुर्थी और पंचमी ये तीनों एक ही होते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों में, तो रामाभ्याम बालाभ्याम वो एक ही है, पंचमी चतुर्थी में भी वही है पंचमी में भी वही है, तो उपयोग के अनुसार आपको अर्थ निकालना होगा। हाँ ठीक है, और बहुवचन में भी वही है, बहुवचन में पिछले जैसा नहीं है, पर मैं लिख देता हूँ पहले फिर आपको समझेगा। बहुवचन में रामेभ्यः या बालेभ्यः, बालेभ्यः
पंचमी भी वही है। तो अब क्योंकि हमने पंचमी दोनों के लिखी दिए हैं, तो अब इधर पंचमी का एक वचन भी लिख ही देते हैं, तो एक बार में पूरा हो जाएगा। दोनों के उदाहरण एक साथ करेंगे, रामात या बालात। ये जूम थोड़ा विचित्र है, मेरी दोपहर में जो एक और मीट होती है संस्कृत कक्षा, उसमें वो अनलिमिटेड टाइम देता है, मतलब एक घंटे में वो खत्म नहीं किया उसने पिछली बार। हम ऑलमोस्ट 1.5 hours तक चलते रहे, पर उसने एंड नहीं किया, अपने आप एंड नहीं हुआ। तो लेकिन इस वाली मीटिंग में अभी कर रहा है, तो शायद रैंडम करता है वो, कभी रोकता है कभी नहीं रोकता। क्या मोहा जी? मैं वही पूछ रही थी, अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी खत्म होने के। हाँ, मुझे वार्निंग आई ना कि 10 minutes बचे हैं। तो ऊपर बोल रही है रिमेनिंग मीटिंग टाइम बोल के। हाँ, वो काउंटिंग चालू हो गई, पहले 10 minutes में वो होता है काउंट। मुझे नहीं दिख रही है। ओ, आप फोन पे हैं? हाँ, फोन पे हूँ। लैपटॉप पे आ रहा है क्या? मैं डेस्कटॉप पे हूँ, इसलिए वो दिख रहा है। मेबी। ठीक है, चलो चतुर्थी का वाक्य। चलो ठीक है, नवीन जी पहले बना लेंगे। हाँ, बालाय बालाय द्विचक्रिका आनयति। मैं बोलना चाहता था कि बच्चे के लिए अंबा बालाय द्विचक्रिका आनयति। हाँ, ठीक है ना, अच्छा तो है। अब हम थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं ताकि ये उदाहरण अलग से दिखेगा। तो अंबा माता दोनों चलेगा, अंबा लिखते हैं इस बार। अंबा बालाय द्विचक्रिका आनयति। चलो मोहा जी, समझी नहीं। माता जी बालों को मतलब बच्चे के लिए साइकिल लाती हैं, आने आती मतलब लाना। लेकिन अंबा अंबा माता, वहां पे माता भी लिख सकते हैं। अंबा इज मदर, अंबा माँ के लिए भी एक संस्कृत में शब्द है। I didn't know. मैंने पहली बार मतलब आज मुझे पता चला ये। हाँ, अंबा इज एक्चुअली देवी की नाम है, ऐसे सोचती थी। तो देवी को इसलिए तो अंबा कहते हैं क्योंकि अंबा मतलब भी माँ ही होता है ना। नहीं, मतलब मैं ऐसे सोचती थी कि जैसे दुर्गा और अंबा, ऐसे कई सारे नाम हैं। वैसे नाम मुझे नहीं पता था, मतलब माता का नाम, मतलब माता के लिए अंबा शब्द का प्रयोग होता है ऐसे नहीं पता, इसलिए मैं समझ नहीं। अच्छा, चलो तो उदाहरण। बालाभ्याम, अब मोहा जी उदाहरण देने वाली हैं। हाँ।
तो अंबा के सिवा पितुहु बोल सकते हैं या पिता पिता पितृ पिता। पिता ओके हाँ तो सीधा शब्द है। हाँ, माता भी बोल सकते हैं आप, यदि माता ला रही है तो माता, बोल सकते हैं, जनकः बाला जनकः भी, बाला हाँ पिता भी चलता है, जनकः भी चलता है, जननी। जननी। माता पिता के लिए कई शब्द हैं। हाँ। खिलौने को क्या कहते हैं? ऑडियो खोल रही हूँ। पांचालिका, पांचालिका, खिलौना, पांचालिका, हाँ पांचालिका, खिलौना, टॉय। पाला हमने एक प्याम, बार लिखा था ना खिलौने का। नहीं पता मुझे। बालाभ्याम पांचा, पांचालिका, नहीं उसमें भी तो विभक्ति आएगी ना फिर। खिलौने लाना, मतलब मैं ये कहने की दोनों बच्चों के लिए खिलौने लाना। बालाभ्याम पांचाली, पांचाली के, तो पांचालिका, अब उसमें डबल हो जाएगा, इसलिए आप उसका उपयोग पांचालिका, पांचालिक पंचाली के, क्योंकि तो वो द्विवचन क्या आकारांत होता स्त्रीलिंग है ना, तो अब हम वहां तक पहुंचे ही नहीं, तो है? हाँ पर लिख देता हूं मैं, फिर भी एक बार उदाहरण लिख देता हूं। लता, पांचाली, लता, लते, लता, लते, लताह। तो ये लता की प्रथमा द्वितीया, मतलब प्रथमा है अभी, लता, लते, लताह, लताम, द्वितीया में भी लते ही है, एक ही जैसा है, जैसे यहाँ पे भी मोहा पुल्लिंग तो में भी सेम था, मोहा हो जाती है मोहे। मोहे। हाँ और बहुवचन भी वही है, तो लता, लते, लताह, लताम, लते, लताह। तो प्रथमा द्वितीया के द्विवचन और बहुवचन एक ही जैसे हैं, सिर्फ एक वचन में थोड़ा अंतर है, और एक वचन में जो अंतर है वो लगभग सारे शब्दों में, सारे पदों में वही का वही अंतर होता है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि इसका उपयोग बहुत होता है। ये जो द्वितीया विभक्ति का एक वचन है, ये लगभग अकारांत पुल्लिंग हो, चाहे आकारांत स्त्रीलिंग हो, चाहे इकारांत स्त्रीलिंग हो, सभी शब्दों में वो आखिरी में म ही लगता है। तो बालम, लताम, वैभवीम, तो इस तरह से सिर्फ म अंत में जुड़ गया तो वो द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। अंत में आ गया तो द्वितीया हो म, गया। हाँ, तो वो थोड़ा याद स्मरण के लिए थोड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का एक वचन बहुत उपयोग होता है, शायद सर्वाधिक उपयोग जो है विभक्तियों में, यदि आप देखोगे तो सबसे अधिक द्वितीय विभक्ति का एक वचन ही उपयोग होता है। अहम पुस्तकम पठामी, अहम गृहम गच्छामी, विद्यालयम गच्छामी, तो वो जितने अम 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 आ रहे हैं वो सारे कर्म हैं, और सब में वो द्वितीया का एक वचन है। ठीक है मौआ जी, तो अब आप क्या बोलना चाहती थी फिर से उसको एक बार बोल दीजिए, तो यहाँ लिख लेते हैं। बालकाभ्याम, बालाभ्याम, बालाभ्याम, क्षम्यताम, बालाभ्याम पांचाली के, के आगे, बालों, बच्चों, दो बच्चों के लिए दो खिलौने। देखो खिलौने में पांचाली के करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि दो बच्चे दो ही खिलौनों से खेलेंगे ऐसा आवश्यक नहीं है,
काह भी कर सकते हैं क्योंकि आप 10 खिलौने से भी तो खेल सकते हैं ना बच्चे, तो पांचाली का भी चलेगा। हाँ, के या काह दोनों चलेगा, मगर 10 खिलौने से 10 गुना बढ़ जाएगा परेशानी, 10 गुना बढ़ जाएगा, 2 खिलौना एक बार से हाँ वो तो बाद की बात है और एक खिलौना भी हो सकता है, तो बालाभ्याम, पांचाली का, पांचाली के, पांचाली का, इन तीनों में से कुछ भी आप उपयोग कर सकती हैं, उसमें वाक्य नहीं बन, मतलब वाक्य को कोई अंतर नहीं पड़ेगा उससे। सर्वेषां नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। जी आपके हाथों पैरों की तो आवाजें आ रही हैं पर और नहीं आ रही। मैं बैठी हूँ एक जगह पे चुपचाप, तो भी कटर पटर तो चल ही रही है ना, जरा नहीं क्योंकि नवीन जी का माइक तो म्यूट पे है। मैं देखा नहीं था, मैंने बोला सर्वेशाम नमो नमः तो किसी का उत्तर ही नहीं आया। मैं म्यूट पे बोला सर्वेशाम नमो नमः। ओ हाँ, नवीन जी ने भी बोल दिया म्यूट पे और आपकी तो आवाज ही नहीं आई मोहा जी, इसलिए तो मैं बोला कि आवाज पता नहीं चल रही। ठीक है, ये सब इंटरनेट की गिफ्ट्स हैं हमको कि कभी आवाज आई कभी नहीं आई। चलो, तो वाक्य क्या था आपका? बालाभ्याम, पांचाली के, बाल बाल बच्चों के लिए खिलौने, आनयति, आनयति। तो अब आनयति यदि आप बोल रही हैं तो फिर कौन ला रहा है वो भी बोलना पड़ेगा। जनक, पिता, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ले, नहीं तो ऐसे आप इसको कैसे कहेंगे कि ले आना, फिर वो वैसे ही हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड सर। आनय, यदि आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, किसी को इंस्ट्रक्शन देने है तो आनय, जैसे पठ लिख। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ, ले आना। ठीक है, एक मिनट, तो हम वही लिखते हैं जो आप कहना चाहती हैं ताकि आपको ध्यान भी आएगा कि वो कहना है तो कैसे गए। तो ये जितनी भी धातु है ना, पठ लिख पश्य, तो उसमें बिना कुछ ती मी ये सब लगाए यदि आप बोल रहे हैं तो आनय, वो ऑर्डर जैसा हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप यदि निवेदन करना चाहती हैं तो वो ज्यादा उपयोगी हो जाता है क्योंकि फिर वो किसी से भी बोल सकते हैं, तो आनय तू ये बेस्ट है। तू जैसी लगाया तो वो निवेदन हो गया, जैसे आपने भोजनम ददातु बोला था तो वैसी पठतु पश्यतु आनयतु आगच्छतु, जहां पे भी आपको निवेदन करना है। कोई आपके घर पे आया तो अपन बोलते हैं अरे उपविशतु उपविशतु, बैठिए बैठिए, आगच्छतु आगच्छतु, आइए आइए। तो तू लगा दिया तो उसका अच्छा मतलब
वो फिर किसी के भी साथ उपयोग कर सकते हैं। ओके तो बच्चों के लिए खिलौने ले आना और इसमें निवेदन भी है। तो ठीक है, अभी हम यदि द्विवचन कर रहे हैं तो बहुवचन हम मान लेते हैं कि हमने कर लिया, पर हमको फिर भी क्योंकि शब्द का उपयोग भी करना है इसलिए हम कुछ ना कुछ वाक्य तो बना ही लेते हैं। बालेभ्यः पुस्तकानि ददातु। तो बच्चों के लिए पुस्तकें दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई चतुर्थी के लिए। अब पंचमी जो है फिर से है। तृतीय और पंचमी में कभी कभी थोड़ा सा अंतर करना पड़ता है क्योंकि तृतीय के द्वारा है और पंचमी से। तो ये वाला जो से है इसमें सेपरेशन है, मतलब अलग होना है, इसको अपादान भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरे रंग से। अपादान और इसमें भय भी आता है। तो यदि आपको किसी चीज से भय लगता है तो उसको भी पंचमी से ही हम लिखते हैं, पंचमी से ही उसका भी एक्सप्रेस करने के लिए क्या बोलते हैं हिंदी में, चलिए। तो अब पंचमी का उदाहरण, पहला उदाहरण मैं दे देता हूं, तो वो भय वाला जो है उसको लिखते हैं पहले। सिंहात, और एक नया शब्द भी देखने मिलेगा, विभेमी। और वैसे पढ़ के आपको अवश्य समझ में आ जाएगा कि ये शब्द जो है भय के लिए उपयोग हो रहा है कि मुझे सिंह से डर लगता है, भय लगता है, भय। और आमी मतलब मी जो लगा है वो मुझे लगता है इसलिए विभेमी हो गया, नहीं तो वो विभेती या विभेसी ऐसे अलग प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में बदल भी जाता, अभी ये उत्तम पुरुष है। तो अहम सिंहात विभेमी या सिंहात विभेमी भी काफी है, मतलब मुझे सिंह से डर लगता है। तो एक वचन वाला तो मैंने बना दिया, तो चलिए अब नवीन जी द्विवचन वाला प्रयास कीजिए। पंचमी से, तो से में मतलब ये अलग होने वाला है, सेपरेशन वाला। नहीं, सिंहात तो सेपरेशन नहीं है ना? हाँ, तो सेपरेशन या फिर भय दोनों है इसमें, अलग होना या फिर भय। हाँ ओके, दोनों है। दोनों के लिए पंचमी का उपयोग होता है। नेत्रा नेत्रा नेत्राभ्याम पश्यामि, पर नेत्र अलग कहाँ हो रहे हैं? नहीं, फ्रॉम ना, वो तो के द्वारा है ना, वो तो आप नेत्र से देख रहे हैं यदि, तो आप नेत्रेण पश्यामि है, वो तृतीया है। okay.
तो ये सिम्हात सिम्हात से भय कैसा अलग हो रहा है? वो अलग नहीं हो रहा ना, देखो पंचमी का उपयोग है, यदि आप किसी चीज से भय करते हैं तो उसको उसको बताने के समय पंचमी का उपयोग कर सकते हैं कि सिंह से मुझे डर लग रहा है, तो सिंह से जो वो वाला से है वो हाँ भय भय वाला से है, ओके ठीक है। दूसरा है अलग होने वाला, जैसे फल फल पेड़ से गिरता है, या पत्ते पेड़ से गिरते हैं, या फूल जो है उसके पेड़ से गिरता है, तो इनमें अलग होने वाला हो रहा है ना। जैसे इवन बारिश वर्षा हो रही है, तो वर्षा मेघात पतति, तो मेघात हम इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि वर्षा मेघों से अलग हो रही है, गिर रही है। ओके ओके समझ समझ हाँ ओके हाँ इवन तुलना तुलना भी पंचमी ही है, कंपैरिजन। ओके पर कोई भी एक सोच लीजिए, अभी जैसे भय वाला एक उदाहरण मैंने दे दिया, अभी आप अलग होने वाला करके देख लीजिए, वो तो बहुत आम उपयोग वाला है, अलग होने वाला जो है। वृक्षाभ्याम फल फलम पतति हाँ, तो अब वृक्षाभ्याम, क्योंकि दो वृक्ष आप उपयोग कर रहे हैं। तो फला फलानी पतति हाँ वृक्षाभ्याम फल फलानी पतति हाँ तो अब फलानी क्योंकि बहुवचन है, तो पतति एक वचन है। हाँ क्षम्यताम पतंत हाँ तो वृक्षाभ्याम फलानि पतन्ति, तो दो वृक्षों से फल गिर रहे हैं। उत्तमम। चलिए मोआ जी, बहुवचन पंचमी। कोई भी शब्द ले सकते हैं, बाल ही ले, बालेभ्य ही लेना वो आवश्यक नहीं है। नक्षत्रेभ्य क्या? स्टार्स क्या कहते हैं हाँ नक्षत्र चलेगा, स्टार्स तारा तारा भी बोलते हैं, कोई मतलब नक्षत्र भी बोलते हैं, तारा गण। तारा इज स्टार्स बट नक्षत्र इज अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स राइट हाँ इसके हाँ, लिए मैं पूछ नक्षत्र रही कॉन्स्टिलेशन स्पेसिफिक है, पर वर्ड नक्षत्र को मैंने एक दो जगह पे तारों के लिए भी एक्सचेंजेबली यूज होते हुए देखा है। हाँ मैंने भी देखा तेलुगु में ऐसा यूज करते हैं मगर वो गलत है पर लगता है वो मुझे गलत है हाँ, क्योंकि नक्षत्र मल्टीपल स्टार्स का एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है। सानिध्य मोदी आपकी आवाज बहुत ही धीरे आ रही है। फिर से तो अच्छा, असल में लेकिन तारा जो है तारा ही एक मिनट मुझे भी इट्स सही नहीं लग रहा मुझे नहीं, तारा तारा जो है ना वो आकारांत शब्द है, इसलिए उसका थोड़ा अलग बनेगा। तारा तो कुछ और ट्राई कर लीजिए। नेभ्य
तारा पश्यन। तारा तो स्त्रीलिंग जैसा हो गया ना, आकार। मतलब देख रहे हैं, या अपने हिसाब से देख रहे हैं, ऐसे में कहना चाहिए कि फिर बाले से। भय। तो हाँ, इसमें फिर तारा कैसे आएगा शब्द? तारा क्यों आएगा? क्योंकि बालक से कुछ अलग हो रहा है, यदि आप बोलना चाहती हैं तब आप उसको, फिर तारा किधर से आएगा? फिर मुझे सारे नपुंसक लिंग शब्द आ रहे हैं एक्चुअली, पर्ण वगैरह, पत्ता, अगर ऐसा सोचा। कुछ भी उपयोगी यदि आ रहा है तो आप बोल लीजिए, फिर हम देख लेंगे उसका उपयोगिता कैसी है। प्रयास तो कर ही लीजिए। मैं एक बताता हूं। जी वानराह, आपको तो उससे थोड़ा और भी सोचने में सहायता मिलेगी। वृक्षेभ्यः कूर्दन्ति, तो बंदर वृक्षों से कूदते हैं, तो क्योंकि वो वृक्षों से अलग हो रहे हैं, वृक्ष से कूद के कहीं और जा रहे हैं, या नीचे कूद रहे हैं, ऊपर दूसरे वृक्ष पे कूद रहे हैं, तो वृक्षेभ्यः कूर्दन्ति। ऐसा भी बोल सकते हैं क्या आचार्य महोदय? हाँ वानराः वृक्षेभ्यः हाँ शिला शिलाखण्ड शिलाखण्डाः क्षिपन्ति। हाँ हाँ वो भी चलेगा। ओके शिलाखण्डाः उत्तम। क्षिपन्ति। आप क्या कहना चाह रहे थे? मतलब नवीन जी मैं समझी नहीं, लेकिन देख मैं रहे हैं कुछ से? पत्थर हाँ, वो शिलाखण्डः एक देख रहे हैं। पत्थर फेंक रहे हैं। हाँ तो उसके लिए फेंकने के लिए आपने क्या शब्द कहा? क्षिपन्ति। क्षिपन्ति क्षिपति एक वचन है और क्षिपन्ति बहुवचन। अच्छा ये लिखा हमने यहाँ पे, स्क्रीन पे लिख दिया मैंने, थोड़ा और बड़ा करके लिख देता हूँ। क्षिपन्ति अपन, मुझे लग रहा था कि अकारांत पुल्लिंग पूरा हो जाएगा आज, पर ऐसा लग रहा है कि अब 8:30 होने में 5 मिनट है, हम कब करेंगे? चलो षष्ठी जल्दी से लिख लेते हैं। रामस्य हाँ बालस्य बालस्य ओके बालक आने है बालक बालस्य हाँ बालया बालया या रामया बालया रामया रामा नाम बाला नाम तो षष्ठी मतलब का के की इसको कहते हैं संबंध। तो मेरा तुम्हारा उसका वो
ये सब षष्ठी है। तो अब हम इसके वाक्य देख लेते हैं। बालस्य दंताः उत्तमं सन्ति। अच्छा, मुझे लगा आप बोलने वाले हो बालस्य दंताः कृष्ण वर्णम सन्ति। ना ना, श्वेत वर्णम सन्ति उत्तमं सन्ति। मोती को एक शब्द होता है ना, मोती को क्या कहते हैं? मैं भी बिल्कुल वही सोच रहा था अभी कि मोती। राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। आनी रहे शब्द मोती को एक शब्द। वो ऐड था ना, तो किसका ऐड था वो? डाबर। डाबर दंत मंगल। लाल दंत मंगल। मेरे को तो जब मन करता है मैं बहुत सारी ऐसी पुरानी ऐड निकाल के देखती रहती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। हाँ, वो वाले विज्ञापन बढ़िया होते थे उस समय, काफी रचनात्मक विज्ञापन आते थे। एक्चुअली कुछ कुछ अभी भी आते हैं, मतलब कुछ कुछ अच्छे मिल जाते हैं अभी, पर उतने ये नहीं है नंबर्स में। आई डोंट नो अगर आप लोगों ने वो देखी होगी, वो जलेबी धारा का। हाँ, धारा वाली। देखा होगा, कैसे नहीं देखा होगा, वो तो इतना प्रसिद्ध है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुक्ता, मुक्ता जो है मोती होता है। क्या It was on the tip of my tongue. मतलब शब्द एकदम आ रहा था और मैं ध्यान नहीं आ रहा था, ऐसे हो रहा था। पता है बट याद नहीं आता था कभी एकदम से। बालस्य दंताः उत्तमं सन्ति, तो ये एक वचन हो गया। ये तो किसी में भी उपयोग कर सकते हैं। बालयाः दंताः उत्तमं सन्ति, बालानां दंताः उत्तमं सन्ति। तो दो बच्चे हों चाहे 10 बच्चे हों, सबके दंत। पर चलिए, कोई और उदाहरण यदि ध्यान में आ रहा है तो बोलिए। नवीन जी से सुनते हैं इस बार। ये बहुवचन के लिए? हाँ, कोई भी एक, द्विवचन या बहुवचन, दोनों में से कुछ भी चलेगा। बहुवचन ज्यादा उपयोग होता है, तो वही प्रयास कर लीजिए पहले। शुनकानां बहु उत्साह सन्ति। कुत्तों का, ऐसा बोलना चाहता हूँ, बहु बहुत उत्साह में। हाँ, तो उत्साह में जो है वो बदल जाएगा ना। क्षम्यताम, वो नहीं है। पर आप शुनकानां उत्साह अधिकम अस्ति ऐसे जरूर बोल सकते हैं। शुनकानां उत्साह अधिकम अस्ति। उत्साहम बोलना चाहिए या उत्साह बोलना चाहिए? हाँ, उत्साहम मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ उत्साहम, क्योंकि वो भी द्वितीय। और बहु अपने आप में भी एक शब्द है, तो हम सिर्फ बहु भी कह सकते हैं। बहु अस्ति। हाँ, बहु अस्ति।
या अधिकम अधिकम अस्ति ठीक है। तो इसका द्विवचन सोचने की आवश्यकता नहीं है, इतना बहुत है। अब सप्तमी, सप्तमी हाँ, सप्तमी का थोड़ा सा रंग बदलते हैं पहले तो। तो ये है मैं और पर, किसी चीज के अंदर या किसी चीज के ऊपर। रामे बाले रामे बाले रामयो बालयोः रामेषु बालेषु बालेषु। चलिए मोहाजी, इस बार आप उदाहरण दे दीजिए, जल्दी जल्दी करके इसको खत्म कर देते हैं, हो ही गया अब तो पूरा। रामे केशव क्या बोल रही हैं आप? रामे केशव मतलब बालों में, पर वो तो केशे हो गया ना, आप राम में बोल रही हैं पहले तो राम में। मैं एक वचन का एग्जांपल पर बोल रही हूँ। हाँ, ये राम में या राम पर? यदि आपने बाले या रामे बोला तो वो राम पर या बाल बालक में या वैसा हुआ ना। आप रामे रामे तद्गुण अस्ति। हाँ, रामे सद्गुणाः संति कह देते हैं, क्योंकि एक एक सद्गुण में थोड़ा कम हो जाएगा राम जी के लिए ना। रामे सद्गुणाः संति। और बहुवचन का उदाहरण दे दीजिए नवीन जी। हाँ, शीतकाले वृक्षेषु पर्णम नास्ति। पर्णानि नास्ति न संति परणानि न संति। और ये जो है ये तो संबोधन है, तो ये तो सबसे सरल है। हे राम या हे बाल, हे बाल, हे बाल। और बाकी जो है पूरा प्रथमा के जैसा है, तो हे रामौ हे रामा। ओ, हे रामौ हे रामा।
तो ए एक वचन में हे रामा है ना, वो हे रामा और हे बाला, हाँ बाल राम अलग से वो अ का उच्चारण होना चाहिए। हाँ हे राम हे बाल, तो हिंदी में तो राम रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, अम्म आ जाएगा, मगर संस्कृत में राम आएगा। हाँ इसीलिए वो अंग्रेज लोग कंफ्यूज हो गए, जब हम राम जब हम राम या कृष्ण कहते हैं ना तो उनको लगता है रामा कृष्णा, तो वो आ जो है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कर देते हैं, और उसके कारण हमारी बुक्स में और बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे उन्होंने टेक्स्ट लिखे, व्हेन दे रोट अवर ट्राइड टू राइट अवर हिस्ट्री, तो बहुत सारे लोगों को वो आदत हो गई रामा कृष्णा महाभारत रामायण, एक्चुअली वो इतना लंबा आ नहीं है, वो इट्स अ लिटिल अ। लेकिन एक चीज है इसमें अंशु जी, कि मैंने एक सतगुरु जी का और शायद नित्यानंद जी का संवाद था या किसका था मुझे याद नहीं, मैंने एक वीडियो देखा था कि ये करेक्ट है क्या जो ये प्रोनाउंस करते, शायद आपने भी देखा होगा, यू माइट। हाँ हाँ मुझे पता है वो। हाँ हाँ तो वो सही है क्या जो सब सही है, असल में सही क्या है, जैसे आपने बोला रामायण या महाभारत तो वो अ, वो करेक्ट है। हाँ क्योंकि अ का जो उच्चारण है वो होना चाहिए, लेकिन वो जैसे जैसे उपयोग हो रहा है जब से अंग्रेज और दूसरे लोग आए जिनको हमारी भाषा नहीं समझती थी उच्चारण में, तो उनने जो अ की जगह आ कर दिया, उसको थोड़ा बड़ा करने लगे, और क्योंकि बहुत समय से अब उन्हीं लोग, यही एग्जांपल दिया गया था ना आपको ध्यान होगा, योग तो योग योग तो योगा खींचते खींचते योगा हो गया, यही एग्जांपल था उसमें। हाँ हाँ वही है। तो ये तो सिर्फ संबोधन है कि हे राम कृपया पठतु, या हे बाल हे बालाह कृपया भोजनम करोतु, तो किसी भी चीज के सामने आप हे बाल हे राम ऐसे किसी भी वाक्य के सामने लगा सकते हैं निवेदन करने के पहले। ओके चलिए, तो इसका ऐसा बोल सकते हैं ना, हे 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 बाल कृपया जलम ददातु, इसको संबोधन ही लिखे क्या, जो अष्टम है इसे संबोधन लिखे। हाँ हाँ ये यहाँ पे मैं लिख ही रहा हूँ, वही संबोधन, संबोधन। हाँ तो अभी आपने क्या बोला नवीन जी, एक बार फिर से बोल, ऐसा बोल सकते हैं हे हे बाला कृपया जलम ददातु। हाँ हे बाल, और कृपया लगाया तो भी अच्छा है, जलम ददातु का और पहले से ही वही मतलब है कि आप निवेदन ही कर रहे हैं, पर ठीक है कृपया अच्छा शब्द ही है तो लगा सकते हैं कृपया जलम, थोड़ा और अच्छा बनना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा निवेदन हो जाएगा। हाँ नहीं तो ददातु का निवेदन समझने के लिए लोगों को संस्कृत थोड़ी अच्छी, मतलब ददातु वो समझना पड़ेगा कि हाँ, और नहीं तो कृपया से पक्का हो जाएगा कि हाँ निवेदन ही चल रहा है। चलो ठीक है, तो अब हम रुक जाते हैं, काफी थोड़ा सा आगे निकल गए 10 मिनट। आप हाँ आप रिकॉर्डिंग बंद कीजिए तो, हाँ वो तो सब एक साथ ही कर लेंगे। आपके पास एक 5 मिनट है या जाना है? हाँ बोलिए बोलिए, रिकॉर्डिंग रोक दूं क्या? तो ये रिकॉर्डिंग के लिए पुनर्मिलामः, शुभ रात्रि, शुभ दिन, सर्वेषां नमो नमः, सर्वेषां नमो नमः, सर्वेषां नमो नमः।